प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स। भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी अमृता मर यादव की नामांकन रैली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए और उन्होंने नगर निगम पर आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। इस रैली के दौरान कांग्रेस की पूर्व पार्षद रूपाली गंगराड़े और उनके पति अरुण गंगराड़े ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। निवेदन है कि दोनों को भारतीय जनता पार्टी स्वागत करे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज से ये दोनों जुड़े हैं। यादव ने इस शहर के लिए अपना सारा जीवन दिया, भाजपा पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया और शहर के विकास में कई कार्य किए। मैं उन्हीं की पुत्रवधु, शहरवासियों के लिए प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा विकास का कार्य किया जाए और उनके पद चिन्हों पर चलकर शहर के विकास में मेरा योगदान बने। धन्यवाद। क्योंकि इंदौर में भी एक बहुत नौजवान को हमने टिकट दिया है तो वहाँ पता लगना चाहिए कि मैं खंडवा में हूँ और जयकारा बोल रहा हूँ, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। सेवादास जी, आप एक नरेंद्र सिंह जी केंद्र, छोटी छोटी गलियां थी, गड्ढे वाली गलियां थी, कितने गड्ढे होते थे यहाँ से लेकर स्टेशन तक जाने में, थे कि नहीं थे? और पूरे शहर के अंदर एक छोटा सा गांवड़ा दिखता था, खंडवा एक गांव होता है ना, थोड़ा सा बड़ा गांवड़ा था, ऐसा सिर्फ छोटा सा गांवड़ा था। जब मैंने इस शहर को देखा तब से मैं खंडवा में आ रहा हूं और मुझे गर्व है कि 40 साल के बाद जब मैं आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं तो खंडवा शहर आज इंदौर से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चौड़ी सड़कें इंदौर में है तो खंडवा में भी चौड़ी, किसी के भी कपड़े उतार देते, थानेदार हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, किसी से डरते नहीं थे। पहलवान की स्टाइल ऐसी होती थी, वो अपने तरीके से ही काम करते थे, अपने तरीके से काम, वो कपड़े उतारने की मशीन थी। आज पता नहीं भाषण में किसके कपड़े उतार दे पहलवान, पता नहीं। और जो स्टाइल होती थी कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, काम करना, विकास के काम करना, थानेदार से बात करना, कमिश्नर से बात करना, मतलब मुझे याद है मेरे बहुत सारे चेले चपाटी यहाँ पर टीआई बनकर आए। मैं अपनी बेटी बोलूँ, बहू बोलूँ, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ट्रेलर दिखाया, आकर आप लोगों से आशीर्वाद लिया, मैं कह सकता हूँ कि ये बाहुबली से भी सुपरहिट फिल्म है। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको, मेरा अधिकार भी है आपको आशीर्वाद देने का। और जिस तरीके से संवेदनशील हो जाता है कभी कभी, और जब शहर संवेदनशील होता है तो दमदारी के साथ इस खंडवा की नगर की जनता के साथ उनकी सुरक्षा के लिए कोई खड़ा होता है तो यादव परिवार होता है। और इसके सिर्फ विकास की बात नहीं है, विकास तो होगा ही, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का तो नारा ही है कि विकास विकास विकास, शिवराज जी का तो नारा है कि विकास विकास विकास, ये हमारा नारा है। विकास तो होगा ही पर सुरक्षा देने का काम भी ये परिवार करेगा, ये मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने करते हुए देखा है। और इसलिए मित्रों, हम चुनाव भी लड़ते हैं पर जनता कांग्रेस को अच्छे तरीके से पहचान गई है और कांग्रेस के लोग भी अपने आप को कांग्रेस को पहचान गए। अब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, अभी हमने कितने एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के बेटे बहू को देखा, गंगराड़े मंच पर आए, उन्होंने किस शालीनता के साथ मंच पे अभिवादन किया। सब कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के लायक रही नहीं। मैं भी यहाँ से जाऊँगा ना, जब इंदौर आज 7 बजे वहाँ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है तो कम से कम 200 बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस अब न राजनीतिक दल रहा, न उनका कोई विचारधारा है। हमें कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के विकास के लिए काम करती है।